अब आप, मुझे आप मुझे ये भी कराया सर आप मुझे ये बताइए कि आपकी जमीन पे छिड़खानी हुई है क्या सर नहीं हो रही है सर अब क्या हो सर विधानसभा भाई साहब इसमें न्यायालय तक हो न्यायालय तक रहो इसमें स्पेक्ट लिखा सर प्रति व्हाट एवर इट इज अरे आप पिटिशन में बताओ यार मेरे पच्चीस दो हजार आप मुझे पिटिश में बताइए दो सर अपने एक एक खारिज कर दो दो मिनट के अंदर अगर जवाब आश्कार बनाया नगर पालिका आश्कार बनाया क्या सीधा जवाब दो मेरे नहीं बना पाया फिर आप उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल पाएंगे एक सेकंड लगेगा मुझे खारिज करने में जो चीज आपने चैलेंज नहीं की उसके ऊपर जबरदस्ती हैं आपको तो दूसरों की से अपनी, अपनी जमीन से कोई लेना देना नहीं है नजरी नक्शा है सर अपने के सर मेरी भूमि के पड़ोस में से सर एक मार्ग दर्शित करा गया जो राजस्व रिकॉर्ड पर मौके पर नहीं है संबंध में सर मैं ग्यारह दस दो से माननीय न्यायालय से निवेदन करते आ रहा हूँ श्रीमान के समाज इसलिए हाजिर हुआ हूँ सर अपने ये तो 24 की पिटीशन है तो 11 दस 2010 दस से क्या तो कर रहे हैं डब्ल्यू पी तेवीस छह सौ अड़तालीस में सर आदेश पारित हुआ जाए उन्तीस अगस्त दो हजार तेईस को सर अपने आप वैसे शुरू से बताएंगे तो मुझे जल्दी समझ में आ जाएगा सर आ, सर सैतीस नंबर पन्ने के माध्यम से सर अपना सैतीस नंबर पन्ने पे आए सर इसमें एक नजरी नक्शा सर है अपने सर इसमें आवेदक की भूमि जो है आपने आपने पिटीशन लगाई थी जी सर तेईस छह सौ अड़तालीस उसके समय फिर उसमें बहस करने कोई नहीं आया जी सर तो सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने सर अपने कलेक्टर खंडवा को सर एक डायरेक्ट कोई कर... बात नहीं बहस करने कोई नहीं आया जी। असली बा... कुछ बातों को छुपा क्यों जाते हो तो न्यायालय ने यह कहा कि जॉइंट डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने कुछ आदेश दिया है कुछ लेटर भेजा है जी उसके ऊपर खंडवा को सर अपने सर इस संबंध में आपसे आग्रह करना चाहता हूँ सर अपने सर एक संक्षिप्त में अपना ये क्या कहना क्या सरकारी जमीन के ऊपर क्या इंक्रोचमेंट है सर आवेदक की भूमि के पड़ोस में 216 सौ शासकीय मार्ग है जो शासकीय मार्ग है वो चार मीटर है और अतिक्रमण मुक्त है सर ये निर्विरोध है सर अपने शासन भी इस चीज को स्वीकार कर रहा है सर इसके पूर्व में सर लगा दो गांधीनगर जो कॉलोनी है उसके 12 मीटर मार्ग को देखते हुए सर अपने ऊपर जो उत्तर दिशा में जो कॉलोनी जो है हरिहर कुंज कॉलोनी फेस वन फेस टू और विनायक सिटी जो कॉलोनी है लगभग छः साढ़े छः सौ प्लाट की कॉलोनी है उसको सर पहुँच मार्ग बतलाते हुए परमिशन जारी की गई है सर सिर्फ कागजों में सर बारह मीटर मार्ग है ना तो राजस्व रिकॉर्ड पर बारह मीटर मार्ग है ना मौके पर बारह मीटर मार्ग है सर सर तो आपको क्या तकलीफ है सर सर जहाँ से सर ऑटो निकल रहा है वहाँ से आप ट्रक निकल रहे हैं तो सुबह एक बात है सर मेरी जमीन पर सर अपने उसका जब आपकी जमीन पे आएंगे तब बात करेंगे तो सर वहाँ पर जगह ही नहीं सर अपने वहाँ ना होगी जब आपकी जमीन के ऊपर ये भेजा कब्जा करेंगे तब बात करेंगे तो सर अपने आपका बारह मीटर मार्ग जो परमिशन देख के दिए तो आधार क्या सर अरे पर... भाई साहब अगर वो कहीं और से आसमान से ले जाए तो सर अगर वो चार मीटर के ऊपर वो अपना फ्लाई ओवर बना दें तो तो सर वो आपकी जमीन के ऊपर जिस दिन वो बेजा कब्जा करेंगे उस दिन आपको हम बिल्कुल रोक देंगे इनको सर भूमि विकास अधिनियम जो अपने उनचालीस है उसमें स्पष्ट लिखा है सर अपने कि मुख्य मार्ग से कॉलोनी की दूरी 300 मीटर है तो 12 मीटर मार्ग रखना अनिवार्य है सर अपने सर कब सपोज कहा घटनाक्रम घटित होती है सर अपने छह सात सौ प्लाट के आप कहते हैं मीटर ना मीटर ही रहने दो जी सर आपका कहना बारह मीटर ना रख के चार मीटर ही रहेंगे आप खुद ही कह रहे हो कि बारह मीटर की तो भूमि विकास नियम में है सर जो कॉलोनी जो है जो परमिशन परमिशन आपने को चैलेंज किया है क्या सर वो अपने सूचना पत्र जारी करा है सर अपने विधिवत रूप से सर पिटिशन इस तरीके से नहीं फाइल होते हैं सर मैं सीमांकन की मांग कर रहा हूँ की सर आपके सीमांकन की जिस दिन आपकी जमीन के ऊपर छेड़खानी होगी बिना एक्वायर किए हुए तो उस वाले से निवेदन मेरा यह है कि की सीमांकन कराना है तो तहसीलदार क्या चाहिए मुझे विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है सर, अपने अपने। क्यो? सर मेरी जमीन के पूर्व में लगा 216 सौ सोलह सात की मार्ग है जो चार मीटर मार्ग है और उसके पूर्व तरफ भूया जो है उसमें से बारह मीटर मार्ग बतलाया गया सर अपने सर क्या लेना देना है यार जमीन के ऊपर तो कुछ भी नहीं हो रहा ना सब मैं इफेक्टेड हो रहा हूँ सर वहाँ पर सात सौ प्लाट धारक जो है आएंगे जाएंगे कहाँ से सर है सर अपने जो तो मुझे उससे मतलब नहीं है जिस दिन आपकी जमीन को टच किया जाएगा उस दिन आपके लिए कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट हो जाएगा श्रीमान मेरा निवेदन आपसे यह है कि सभी परमिशनों में बारह मीटर मार रखना अनिवार्य रूप से लिखा गया है सर जो आपने बताया था उसका आधार मुझे सीमांकन करके बतला उपकार रहेगा माननीय न्यायालय का नहीं उपकार हमने नहीं करना आपके अधिकार होगा तो आपके अधिकारों की सुरक्षा करनी है सर अधिकार हमने उपकार नहीं करने हैं सर न्यायालय सर आप नहीं उपकार के लिए नहीं होती अधिकारों की सुरक्षा के लिए होती है ज्यादा नहीं होती पूर्व अब आप मुझे भी होते हैं आप मुझे ये बताइए कि आपकी जमीन पे छेड़खानी हुई है क्या जी सर उतना हो रही है सर अपने क्या हो रही है कहाँ तो लिखा है आढ़े दिन विवाद विवाद होता है सर हमारी आप क्यों जबरदस्ती अल्लाह गुला करते हैं जब आप मुझे ये बताइए कि आपकी इस जमीन के ऊपर ये इन्होंने ये कार्रवाई करने की कोशिश सर, की है। सर, दो बार में भी जमीन पर अतिक्रमण करा है जिसको माननीय न्यायालय के आदेश किया अतिक्रमण हरियर कुंज कॉलोनाइजर ने सर अपने कॉलोनाइजर ने करा जी आप, आप सड़क के ऊपर आपके आपत्ति लगा रहे हो जी सर तो, मेरी जमीन पर सर अवैध रूप से सर मार्ग बनाया गया है मैं मान तो, मार्ग बनाया गया बता, बता ना हाँ, सेकंड सर विधानसभा के साहब भाई न्यायालय तक, तक हो न्यायालय तक रहो उसमें इसमें स्पेश व्हाट एवर इट इज आप कोर्ट में आए हैं कोर्ट की भाषा में बात कीजिए सर मुझे राइट आपके जमीन के ऊपर आपका पूरा संवैधानिक अधिकार है जी राइट right? जी सर इस बारे में एक प्रश्न एक प्रतिशत भी संदेह नहीं होना चाहिए ना आपको ना मेरे को जी सर। जी सर सर आपकी जमीन के ऊपर बिना उसको एक्वायर किए हुए या खरीदे हुए जी कोई भी कुछ भी निर्माण कार्य सड़क कुछ भी नहीं कर सकता ये बात मेरे को भी क्लियर है आपको भी क्लियर अब आप बताइए कि साहब आपकी जमीन के ऊपर क्या अतिक्रमण हुआ है और किसने सर परमिशन दिए सर अपने आप कहीं से बनाए हमें क्या लेना देना सुनिए 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 या फिर आप परमिशन को चैलेंज करिए परमिशन को चैलेंज किया है क्या आपने सर मैं आप अरे आप पिटिशन में बताओ यार मेरे को दो सर अपने एक, एक खारिज कर दूंगा दो मिनट के अंदर अगर जवाब नहीं दोगे तो सर पच्चीस आपसे मैंने पूछा है कि आपने पिटिशन में इस बात को चैलेंज किया है कि ये जो ये जो परमिशन दी गई है ये गलत दी गई है इतना दिखाओ मेरे को माननीय न्यायालय से निवेदन मेरा माननीय न्यायालय से निवेदन बिल्कुल सही है आप मुझे इतना तो बताइए छह सौ तीन में आदेश पारित हुआ था सर अपने तो मैं पढ़ के कर दूंगा तो सर टीएनसीपी भोपाल को तो, निर्देशित किया था। आपको, आपको मैं आपका पेज चार पेड़ा क्रमांक दो में स्पष्ट रूप से उल्लेखित कराया श्रीमान अपने आवेदक की भूमि या किसी अन्य भूमि का अतिक्रमण पाया जाता है उसको हटा के देने की जवाबदारी आपने लेआउट्स की जो परमिशन जिसमें 12 मीटर मार्ग दिखाया गया है उनको चैलेंज किया है क्या सर 2015 में किया था सर अपना इसमें कि उसमें क्या हुआ सर 2015 सर टीएनसीपी भोपाल अरे हुआ कर, क्या हाँ या नाम में जवाब दो सर आदेश पारित करे ना 25 1 2016 को आदेश पारित कर माननीय न्यायालय ने डायरेक्शन दिया सर अपने टीएनसीपी भोपाल को सर क्या सर एनक दो अपने सर अपने जो है सर 102 जो है क्या है 1 मिनट

कहाँ है सर आपकी पिटिशन की कॉपी तो पिटिशन के अकॉर्डिंग तो आदेश पारित हुआ सर वो है सर अपने उसमें सर उसमें मैं कुछ नहीं समझा सकता आपको सर मैं ला, अभी लगाने में असमर्थ रहा हूँ सर इसमें सर अपने कानूनी मुकदमे ऐसे नहीं लड़े जाते माननीय न्यायालय माननी उपकार करने के लिए नहीं है माननीय न्यायालय आपके हर हित की सुरक्षा करने के लिए राइट सर इसमें उल्लेख तो सर सुनिए मैंने आपसे साफ साफ कह दिया कि आपकी जमीन की एक इंच पे भी कोई भी बेजा कब्जा नहीं कर सकता जी श्रीमान ये संविधान आपको सुरक्षा देता है और उस सुरक्षा को हम पूरी तरीके से बार प्रयास किया गया सर प्रयास मतलब नहीं है न्यायालय के आदेश आप ये बताइए आप ये बताइए कि इस पिटीशन में इस पिटीशन में आपने उस लेआउट या उस परमिशन को जिसमें कि बारह मीटर फोर को में स्टार जिसमें आप इनको बारह मीटर सड़क चौड़ी रखने का अनुमति दी गई है वो कहाँ चैलेंज किया आपने इतनी बात बताई है हाँ या ना तो मेरे हिसाब से चैलेंज नहीं किया जिम्मेदारी तय करिए नगर पालिका निगम अरे सर्थ भाई साहब बस हो गया राइट आपकी जमीन के ऊपर बेजा कब्जा करने के लिए किसने और कब प्रयास किया और कितनी जमीन पे बेजा कब्जा हो गया ये बताइए मेरे को किस प्राइवेट कॉलोनाइजर ने आपकी जमीन के ऊपर कब्जा करने का कोशिश की सर सर कॉलोनी उसको पक्षकार बनाया सर उसको सूचना विधि पक्षकार नहीं। बनाया नगर पालिका निगम पक्षकार बनाया क्या सीधा जवाब दो मेरे नहीं बना तो। पाया सर फिर आप उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल पाएंगे कार्रवाई चल रही है आप कुछ नहीं बोल पाएंगे उसके खिलाफ आप बोलते रहिए मैं नहीं लिख पाऊंगा उसके खिलाफ नगर पालिका निगम ने कार्रवाई करी है उसके विरुद्ध सर करने दीजिए ना आपकी जमीन के ऊपर कोई एंक्रोचमेंट अभी हुआ नहीं है आप जबरदस्ती दूसरों की परमिशन से दुखी हैं और उन परमिशन को आपने चैलेंज नहीं किया है भी परमिशन के के निरस्त करने आप बताइए कि सर कहाँ पे जमीन है आपकी आप नक्शा नजरी नक्शा बताइए सर।, सर।, सर थर्टी सेवन।, सेवन पे है पूरा एंटीसिपेशन पे पिटिशन दिख रही है नहीं टाइम तो नहीं दूंगा सर

आपकी जमीन कौन सी है इसमें तो दो सौ सत्रह बट दो इसमें साफ दिख नहीं रहा थोड़ा सा बताइए कौन सी खंडवा सियाड़ा मुख्य मार्ग है सर अपने भाई साहब मैं खंडवा नहीं गया और गया भी हूँ तो मुझे उससे अपनी पर्सनल नॉलेज से कोई लेना देना सबसे नीचे से लगा हुआ है सर अपने आप ये पढ़ के बता दीजिए सर इसमें कुछ हेरा फेरी नहीं मतलब कुछ लिखा पढ़ी नहीं करेंगे जी सर इसमें से क्या पढ़ सकता हूँ ये बता दीजिए आप कुछ नहीं लिखेंगे उसमें कुछ नहीं लिख पा सकता उसमें क्या लिख दिख रहा है अरे कौन सी जगह लगा बस उतना बताओ बत्तीस पे देख लें जी सर आपकी कौन सी जमीन है बस तो दो सौ सत्रह बटे दो।, दो बटे दो ये तो वैसे ही कुछ दो भी गायब इसका तो चलो ये कुछ ट्राइंगल टाइप की है ना जी सर सी जमीन है जी अच्छा एक इस... तरफ दो सौ सोलह दिख रहा है जी सर शासकीय सर ये चार मीटर मार्ग चार के बाजू में क्या है सर दो सौ चौदह गांधी नगर कॉलोनी है सर कॉलोनी है जी सर सर की कॉलोनी है सर अपने अरे पचास की हो क्या लेना देना सर इसमें ये... ये, ये ये इस मार्ग से कितनी दूर है सर ये मैडम प्लीज आप कितनी दूर है सर मेरी भूमि से अपने नहीं मार्ग से खंडवा मुख्य मार्ग से मुझे नहीं मालूम है जो आप बीच में पतली चार मीटर की रोड बता रहे जी जी सर सर ये चालीस फीट मार के सर अपने अपना और तो अपना नहीं जी आपने ये 214 और 217 बटे दो के बीच की जो पतली सी स्ट्रिप दिखाई है 216 सौ सोलह सास की मार के सर वो कितना चौड़ी जमीन है चार मीटर सर अच्छी बात ये आदेश में उल्लेखित है सर चार मीटर है जी श्रीमान अच्छा इसके बाद ये जो आपकी कॉलोनी है वो कितनी दूर है सर खंडवाड़ा मुख्य मार्ग तीन सौ मीटर अंदर है अरे पतली रोड से कितनी दूर है सर तीन सौ मीटर

चौड़ाई कितनी है चाहे सड़क कितनी भी हो ये सरकारी जमीन की चौड़ाई कितनी है तो मीटर है दूरी सर इसकी छह सौ मीटर है में मीटर मीटर दूरी सर अच्छा इसके साथ में लगी हुई कॉलोनी है जी सर दो सौ अब आपको डर ये है कि बारह मीटर सड़क बनी तो आपकी जमीन पे आ जाएंगे सर बराबर सर ने? बराबर ना तो दो सौ चौदह में मार्ग दर्शी था तो वही कोई बात नहीं अगर हम ये कह हैं कि आपकी जमीन के ऊपर बिना आपकी जमीन को पर खरीदे हुए या किए हुए जी कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा जी तो आपके सुरक्षा हितों की सुरक्षा होगी कि क्या होगी आपने अस्सी एक सेकंड लगेगा मुझे खारिज करने में जो चीज आपने चैलेंज नहीं की उसके ऊपर जबरदस्ती बहस कर चले जा रहे हो सीमांकन मारने नहीं आए आप अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ सर आपको तो दूसरों की परमिशन से दुख है अपनी पिटिशन अपनी जमीन से कोई लेना देना नहीं है ये तो साफ दिख रहा है कि इंटेंशन से पिटिशन है आप चाहते हैं नहीं कि वहां पे कोई कॉलोनी ना बने सर, व्हाट एवर इट इज व्हाट एवर इट इज आपकी जमीन से आपको सुरक्षा नहीं चाहिए है आपको परमिशन से तकलीफ हो रही है ठीक है सर आपको अपनी जमीन की सुरक्षा नहीं चाहिए आपको परमिशनों से तकलीफ हो रही है और परमिशनों को आपने चैलेंज नहीं किया है जिस चीज को आपने चैलेंज नहीं किया है उसमें तो हो गया सर हो गया सर प्लीज थैंक यू आई विल गो थ्रू इट एंड देन आई विल पास द ऑर्डर थैंक्स सर <laughs> <laughs> 73 निरंतिंचमान